भाई थना की गारंटी ना लेने लो 6 रुपए भाई, कोई गारंटी ना है कि थना आवे ना आवे, मेरी कोई गारंटी नहीं, रागरा ने पैसा ले लिया सारा इकट्ठा। पीछे जो वीडियो बनवाई थी जी, दोनों भैंस कच्ची बनवाई थी वीडियो में जी जी, और मैंने कहा था 20-20 किलो दूध तोल दूंगा जी जी। एक भैंस तो मेरी मानोठी गांव में गई है जी, मानोठी के अंदर जी जी, 19 किलो दूध वो भाई लेके गए, दोनों टाइम चुवाई करके तब ले गया जी। चोटी के अंदर जो थन है ना जी, वो ओरिजिनल थन लगा हुआ है, ये थन जी मिलेंगे आपको। सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से एक नया मुर्रा पशुधन कैमरे के सामने खड़ा है। जितने भी पशुपालक साथी जो है अच्छा पशुधन खरीदना बेचना देखना चाहते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज संपूर्णतः जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। और जो है पहली बार वीडियो को जितने भी भाई स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है पशुपालक ये कहते हैं कि नोटिफिकेशन जो है पहुंच नहीं पाता, तो इसलिए आपको बार बार ये बताया जाता है कि आप जो है पेज या चैनल दोनों जगह पे जुड़े। तो आज की वीडियो बहुत ही पुराना काम करने वाले मैं कहूँगा युवा साथी राकेश भाई के यहाँ से है, गाँव सुदराणा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा से, और अच्छा पशुधन जो है सेलेक्ट करके लेके आते रहते हैं। सामने जोटी खड़ी है, डिटेल से जानकारी लेंगे और जितने भी किसान साथी जुड़े हैं लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार राकेश भाई। नमस्कार जी भाई साहब। तो बिल्कुल ताजी ब्याई हुई है। हाँ भाई, ये शाम में ब्याई। हाँ शाम को ही ब्याई है, बिना ब्याई बैठाई थी गाड़ी में। हाँ जी, आंटी अपने रात के करीब करीब 11:30-12 बजे ब्याई। कौन से ब्यात की है? ये 30 रुपए ब्यात की। तो पीछे क्या कुछ डिटेल रही है दूध वगैरह की? इसकी रिपोर्ट अच्छी भाई साहब, इसने 19-20 किलो दूध निकाल रखा है दूसरे ब्यात में, दूसरे ब्यात का। तो साथ में बच्चा फीमेल काफ को, फीमेल काफ है, तो अपने घर ही आके बच्चे को जन्म दिया। घर पे भी आई है शाम को ही जी जी, आज रात को। तो चुवाई वगैरह की कैसी निकली? चुवाई वगैरह की बहुत साफ सुथरी निकली। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी भैंस निकली नीचे से जी जी। हाँ जी, तो खीस वगैरह कितना निकाला है? कम से कम भाई सुबह से अब तक मैंने 5-6 किलो खीस निकाल दिया, कुछ बच्चे को पिलाया कुछ निकाल दिया, 7 किलो करीब निकल चुके जी। ये देखिए जी, सुबह का टाइम भाई ने कहा था कि आप 10-11 बजे आ जाना, लेकिन मैं शाम के टाइम अभी भी चुवाई जो है कर चुके हैं। 7 किलो जो दूध है लगभग ऑर्डर से बाहर आ चुका है, तीसरी बार जो है बच्चा दिया है, साथ में कटड़ी खोल लो एक बारी चला के दिखाओ। सिंपल जो है बिल्कुल साधारण तरीके से दिखा रहे हैं, क्योंकि ताजी ब्याई हुई है और ताजी ब्याई भैंस को ज़्यादा नहला के या मैं कहूँगा मालिश वगैरह करके पेश नहीं कर सकते। बाकी आप एक बार देख सकते हैं ब्रीड वाइज जो है शारीरिक जो बनावट है जोटी की काफ़ी अच्छी है। ये देखिए चलती हुई आपको जो ऑर्डर है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं पीछे से भी साफ सुथरा, क्योंकि ठंड पे आई हुई है। जिस टाइम दूध निकालते हैं 3 दिन तक खाली पशुधन पूरा नहीं हो पाता, और ठंड पे जब तक रहेगा उस टाइम तक जो है, आगे घुमा के ले आओ थोड़ा, उस टाइम तक ऑर्डर जो है ठंड पे रहेगी तब तक चौड़ाई साइडों में नहीं दिखा पाएगा इतनी, क्योंकि जोश हो जाता है। और रोको एक बारी, ये जो थनों की क्वालिटी है, ये जो जोश है, ये आप किसी भी पशुधन में देखना बहुत कम मिलेगा। वेंस जो ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं ले आओ, थोड़ी बच्चे के लिए उत्सुक जरूर हो रही है क्योंकि कच्ची ब्याई हुई है, पीठ पुट्ठा और ब्रीड वाइज बात कर रहे थे, टेल में भी कुछ ही बाल नीचे वाइट है। बाकी ये नहीं कि पशुधन जो है किसी भी एंगल से ब्रीड से बाहर जा रहा हो, और आज ही बच्चा दिया है, क्योंकि एक बार पशु बच्चा देता है वैसे भी थोड़ा जो है कमज़ोर दिखाई देता है। ये देखिए साइड से भी पीछे से भी आपको चारों साइड से दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो राकेश भाई जहाँ से आपने खरीदी है वहाँ पे खुट्टे से ली भाई, दोनों ब्यात एक ही जगह के पास छोटी कट्टी पाली थी उसने, अब तो उसके पास एक पशु और भी आ रहा था ताजा, तो बोला इस भैंस को सेल करेंगे जी, जब उसने ली मैंने ली जी जी जी। तो चुवाई बिल्कुल मोटी, चुवाई बहुत मोटी भाई, साफ सुथरी, बहुत साफ सुथरी। तो इसका रेट वगैरह क्या रखे हैं भाई? रेट तो मौके का करेंगे मंजीत भाई, आज भी एक चीज बताओ आप मेरे को, कई भाई बोलेंगे मौके का रेट, आपने जहाँ से भैंस खरीदी गब्बन, अगले ने किस किस चीज की गारंटी ली थी भाई? थना की गारंटी ना लेने लो 6 रुपए भाई, कोई गारंटी ना है कि थना आवे ना आवे, मेरी कोई गारंटी नहीं, रागरा ने पैसा ले लिया सारा। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी,
अगर ये भाई जो बोलते हैं मौके पे रेट वाली बात, तो इनको ये बताओ मौके का रेट क्या होता है, पैसे दे के आए, हाँ, पूरा रिस्क लिया था, पूरा रिस्क लेते हैं भाई। मान लो उसमें छर्रा भी निकल सकता था, धार में भी कमी निकल, तेथन भी निकल सकती थी, बिल्कुल। अभी 100 की 100 करके आज खीस से खाली करे, आज मान लो खीस में आई, आपका कहने का अर्थ यही है कि मान लो 2-3 दिन में बिक जाती है तो 5-4 हजार भी बच जाए तो भी संतुष्टि है। और अगर दूध तैयार करके कोई भाई देगा तो भाई भाव 15,000, 10,000, 20,000 ना फालेगा कोई। जब मैंने बिना ब्याह ली थी, जब मालिक ने बोला भाई लेके जा तो आज ले, जब ब्याह गिना तो कल 10,000 रुपए तेज दूंगा इसको। बिल्कुल ये होते हैं मौके के रेट। जब मैंने उसी टाइम पर रात को 8 बजे बैठाई है, 10-10:30 बजे इसने जो पानी की मटंडी है, जो मटका बोलते हैं, वो गाड़ी में ही फोड़ दिया था। जी 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 हाँ। तो बहुत बार जिस टाइम पे थन पे नहीं आई थी, मान लो आपने ली तब, तब लेवा अच्छा चौड़ा पूरा भाई साहब, इसका तो खीस मैंने निकाल दिया। मैंने आपको सुबह बोला था कि इसकी वीडियो बढ़ा दो, आप सुबह कई कारणवश कहीं चले गए थे। जी जी। मैंने इसका 8-7 किलो खीस कम से कम निकाल दिया, अब भी निकाल रखे हैं। जी जी जी। तो देखिए शाम को भी निकल चुका है क्योंकि और भी पशु हैं भाई के पास। ये देखिए इधर मिल्किंग हो चुकी है, ये नहीं कि कोई भी पशु मिल्किंग के बगैर खड़ा हो। शाम को 5:30 बजे ये वीडियो कवर हो रही है। 4:15 बजे अपनी मिल्किंग कर देता हूँ मैं, किसी ग्राहक की बात नहीं देखता कभी भी। जी जी जी। ठीक है, मैं अपने शाम को सुबह तो 5 बजे और शाम को 4:15 बजे 5 बजे तक मेरा कंप्लीट दूध निकल जाता है। जी जी। तो रेगुलर राकेश भाई की कॉन्टैक्ट डिटेल चल रही है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये देखिए जी आर्डर का जोश, तनों की बनावट, बहुत ही शानदार जो पशुधन है। थोड़ा कैमरे को देख के डर रही है क्योंकि अभी अभी जो बच्चा दिया है उसके कारण थोड़ा पशु 1 या 2 दिन डर जाता है। ये देख सकते हैं आर्डर की क्वालिटी है, पीछे से भी आपको दिखाना चाहेंगे कम्प्लीटली कवर करके और साथ में फीमेल का। पशुपालकों के पास एक सुनहरा मौका अच्छा पशुधन खरीदने का। बाकी आप भाई अनुभवी हैं, पीछे जो वीडियो बनवाई थी जी, दोनों भैंस कच्ची बनवाई थी वीडियो में। जी जी। और मैंने कहा था 20-20 किलो दूध तोल दूंगा। जी जी। एक भैंस तो मेरी मानोठी गांव में गई है, जी मानोठी के अंदर। जी जी। 19 किलो दूध वो भाई लेके गए, दोनों टाइम चुवाई करके तब ले गया है। जी जी। दूसरी भैंस में भी 18 किलो से प्लस दूध था जब लेके गया वो। जी जी। ठीक है, दोनों सेल होगी, अपना मालिक की दया से अच्छी सेल चल रही है, अच्छा पशु बिक जाते हैं टाइम टाइम पे। ठीक है जी जी। और अपनी कोशिश ये है, आपा सुंदरता पे ज्यादा वो नहीं करते ध्यान। जी। आपा दूध के परपंच पे भैंस खरीदते हैं, दूध के परपंच पे ही भैंस को बेचते हैं। राकेश भाई मैं तो एक हरियाणा गवर्नमेंट के जो डॉक्टर है ना, या जो टीम है HLDB के, मैं तो उनको ये कहूंगा ये जो मुर्रा भैंसे हैं इनको दूध पे बेच दीजिए, चाहे इनके सींग दबवा दीजिए HF की तरह। अगर लोग क्या है कोई 20 लाख, कोई 10 लाख, कोई 30 लाख सींग के मांग रहे हैं, एक छल्लेदार सींग के पीछे भाग रहे हैं। उसके दूध पाए 12 किलो, 12 किलो दूध मिले। अगर लेके फायदा क्या करो? ये भैंस है मान लो इसके दोनों सींग बचपन से ही दबवा दिए और ये दूध देती हो 23-24 किलो, तो मैं जो छोटे सींग के पीछे भागते हैं ना उन भाइयों से इस भैंस को कहीं आगे मानूंगा। क्योंकि गवर्नमेंट भी मेले में 5 नंबर देती है सींग के। अगर मैं ये कहूंगा 5 नंबर को भी हटा दिया जाए, जोटी के अंदर जो थन है ना जी, वो ओरिजिनल थन लगे हुआ है, ये थन नहीं मिलेंगे आपको, ये जी जी। थनों का ये खाली होने के बाद जो थन बनेगा ना वो और भी प्यारा दिखाई देगा। तो मैं एक चीज कह रहा था जी, गवर्नमेंट को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि भैंस है उनके HF की तरह जो सींग है उनको चाहे दबवाओ, दूध का पर्पज से पशु रखें, नहीं तो सुंदर सुंदर तो मेरे हिसाब से हर गांव में 2-4 बुल घूम रहे हैं, जोटे भी घूम रहे हैं, 10-10, 12-12 किलो इकटड़ियां बहुत हैं। तो आप पशुपालक साथी जो है इस वीडियो को शेयर करके वहां तक पहुंचाएं ताकि जी कंफर्म करा देता हूं अपना एड्रेस। गांव मेरा सुदराणा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा के अंदर है। ठीक है, तहसील कोसली लगती है जी। जी, बार बार ये पूछे ना कि कहां से बोल रहे हो। जी जी जी। तो देखिए जी, कभी भी विजिट कर लेना, मेरे पास 3 से 4 भैंसे ताजा सुई मिलेंगी जी, और कम से कम 16+ दूध की ही मिलेंगी मेरे पास जी। अच्छा पशु लेके आते हो तो जितने भी किसान साथी जुड़े हैं जी विजिट कर सकते हैं, पशुधन खरीदना चाहते हैं काफी अच्छे पीठ पुठे और सींग क्वालिटी का ये पशुधन। और जो बातें कही उस पर भी ध्यान दें कि सींग के पीछे न भाग के और ब्यूटी के पीछे न भाग के कोशिश करें दूध के पीछे भागे, क्योंकि किसान कहीं भी बात घूम फिर के रुकेगी तो दूध से ही किसान आगे बढ़ सकता है। दूध पीने के लिए हम भैंसे रखते हैं। अगर सुंदरता की बात करें, कोई 10 किलो, 8 किलो, 12 किलो वाली में सुंदरता हो तो देखिए समझ होती है अपनी अपनी। मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता भैंस वो हो जो अच्छा दूध निकाले, अच्छी फैट कंटेंट हो और अच्छी जो है
कीमत भी दूध की लगती है। मैंने तो आज तक मेरे हिसाब से 50 लाख की, 51 लाख की या जो 25 लाख की सुंदरता पे भैंस बिकती है आज तक नहीं देखी है मैंने, देखी है सिर्फ दूध पे। जी जी, तो देखिए बहुत अच्छा पशुधन भाई ने दिखाया। थनों की बात करें, चारों साइड से साफ सुथरा पशुधन बिक्री के लिए उपलब्ध है राकेश भाई के यहाँ पे, गांव सुधराना, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा से वीडियो। कोई भी पशुपालक आना चाहता है विजिट कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार।